हमारे पास एक बच्चा आया, पेशेंट का नाम था बेबी सार्थक राज। पेशेंट का वेट था 4.2 kg। पेशेंट को कंजनाइटल हार्ट डिजीज थी। यहाँ पे डायग्नोस हुआ पेशेंट को TAPVC था। और हमारे जो सर्जन है डॉक्टर रतिन अरोड़ा सर, उन्होंने प्लान किया केसेस को और पोस्टेड किया। एक हमारी कार्डियक ओटी है और ये हमारे कार्डियक टीम के मेंबर्स हैं। बेबी सार्थक राज को ऑपरेशन के बाद हम लोग आइसोलेशन में शिफ्ट करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे उनको 2 दिन रखने के बाद जब पेशेंट एनेस्थीसिया से बाहर हो जाने के बाद कंप्लीट अवेक हो जाता है और उसकी कंडीशन स्टेबल होने के बाद हम यहाँ से उनको PICU शिफ्ट करते हैं। मेरा नाम अजय कुमार है, ये मेरा बच्चा सार्थक राज है। इसका तबीयत खराब हो गया था, मैंने सेंट्रल हॉस्पिटल से दिखाया तो उन्होंने हमें जसोदा हॉस्पिटल में गाजियाबाद में ट्रांसफर किया। यहाँ जब मैं आई थी तो डॉक्टर देखे, चेकअप किए तो नीला नीला सा पड़ गया था। तो डॉक्टर यतीन सर, सचिन सर और करण सर, प्रतीक सर ने वो ट्रीटमेंट किए तो बता रहे थे कि डॉक्टर को सर्जरी मतलब बच्चे को सर्जरी करना होगा। तो हमने बहुत मतलब बहुत उदास हो गए। डॉक्टर ने हमें बहुत समझाया कि बच्चे को हम ठीक करके यहाँ से भेजेंगे, तुम निराश मत हो, बच्चे को ठीक करके। वो अपने जी जान लगा दिए बच्चे को ठीक करने में। आज मेरा बच्चा स्वस्थ है और मैं आज हमारा यहाँ से डिस्चार्ज मिल रहा है। ये बच्चा 3 महीने का, हमारे पास नीलेपन और सांस में लेने की दिक्कत के कारण इस हॉस्पिटल में आया था। बच्चे का वज़न भी बहुत कम था, 4 किलो का था। जब ये एडमिट हुआ हमने इसको इवेल्युएट किया, मैंने डॉक्टर सचिन दुबे जो पीडियाट्रिशियन है, डॉक्टर शुक्ला जो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं और हमारे इंटेंसिविस्ट डॉक्टर करण ने, इस बच्चे की इकोकार्डियोग्राफी में एक हार्ट में छेद था, दूसरा जो फेफड़ों से नसें लेफ्ट साइड में आती हैं वो राइट साइड में आ रही थी, जिसके कारण बच्चे को काफ़ी तकलीफ हो रहा था। जो इस बीमारी का इलाज एक ही था वो हार्ट सर्जरी था। इस एज में ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होता है। पेरेंट्स को इस सर्जरी के बारे में बताया गया और इसके सारे रिस्क वगैरह बताए गए। बच्चे का ऑपरेशन किया, वो जो नाड़ियाँ थी उसको रीडायरेक्ट करके लेफ्ट साइड में कर दिया गया, छेद बंद किया गया और एक एक्स्ट्रा नाड़ी जो PDA था उसको बंद किया गया। बच्चे का ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हो गया, बच्चा अगले दिन वेंटिलेटर से निकाल दिया गया। धीरे धीरे करके बच्चे को दवाइयाँ से और ऑक्सीजन से निकाल दिया गया। अब बच्चा बिल्कुल ठीक है, दूध वगैरह अपना ले रहा है और आज इसको हम डिस्चार्ज कर रहे हैं।